गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स और इसमें अपना फर्स्ट लेसन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट इसे हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट हम कर चुके हैं। इसमें हम ट्रू फॉल्स कर चुके हैं, फिल द ब्लैंक्स और आंसर इन शॉर्ट हम इसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें हमने क्या था, फोर्थ का हम ए पार्ट इसमें कर चुके हैं, डिफरेंसेस बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट हम इसमें आज करेंगे दो क्वेश्चंस, बी एंड सी से हम करेंगे। तो आपने भी कॉपी में इसे नोट डाउन आपने करना है। ठीक है, लेसन नंबर वन है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 8 में आज हम करेंगे फोर्थ का बी पार्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैपटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर। लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर्स में आपने अंतर बताना है। तो इस तरीके से आप करेंगे, वन साइड में आप लैपटॉप कंप्यूटर लिखेंगे और अदर साइड में आप क्या लिखेंगे, टैबलेट कंप्यूटर। तो लैपटॉप कंप्यूटर का पहला जो पॉइंट है क्या है, देखेंगे लैपटॉप्स आर सिंगल यूनिट कंप्यूटर। सिंगल यूनिट कंप्यूटर क्या है, क्योंकि सभी इसमें क्या होता है, इनबिल्ट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल यूनिट कंप्यूटर्स। और आपका क्या है, टैबलेट्स कंप्यूटर क्या है, ये भी सिंगल यूनिट होते हैं और ये भी आपका क्या होते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं, यानी कि आप इजीली इनको हाथ में कैरी कर सकते हैं क्योंकि लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, देखेंगे दे हैव इनबिल्ट कैमरा माइक्रोफोन स्पीकर एक्सेट्रा। इसी में ही क्या होता है, आपका कैमरा माइक्रोफोन स्पीकर आपका इनबिल्ट होता है, पहले से ही इसमें होता है। ठीक है, और जो आपका टैबलेट कंप्यूटर होता है इसमें भी पहले से ही आपका इनबिल्ट होता है कैमरा माइक्रोफोन एंड स्पीकर, इसमें आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी आपका इसमें इनबिल्ट होता है। ठीक है, थर्ड क्या पॉइंट है, दे हैव एन इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी और दे वर्क ऑन अ रिचार्जेबल बैटरी। दोनों ही जो आपके कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप और टैबलेट, दोनों ही आप इनकी बैटरी होती है और इनको क्या करना होता है, आपके फ़ोन की तरह ही इनको क्या करना होता है, चार्ज इसको करना होता है। ठीक है, तो ये तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, नेम एनी फोर ऑफ देम। अब आपको बताना है कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं और चार कौन कौन से होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आंसर क्या है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेबिलिटीज़ कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब देखिए, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमने पढ़ा है, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को कैसे डिवाइड किया गया है, उनके जो उनका आकार है, उनकी डिज़ाइनिंग है और जो उनकी क्षमताएँ हैं काम करने की, उस बेसिस में उनको कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है तीन भागों में। तो कौन कौन से हैं, पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा है आपका सर्वर कंप्यूटर्स और थर्ड है आपका सुपर कंप्यूटर्स। तो इसमें हमें पूछा है माइक्रो कंप्यूटर्स का, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर, दीज आर इन एक्सपेंसिव एंड डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़, दीज मेक यूज़ ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, माइक्रो से समझ में आ रहा होगा कि छोटे कंप्यूटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्वर कंप्यूटर के और सुपर कंप्यूटर के कंपेरिजन में, और ये जनरली आप ये जो बने होते हैं ये जनरल पर्पस के बने होते हैं, यानी कि आप इनको आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं ऐसे, और जैसे आपके जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं और जो आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो आप जनरली यूज़ नहीं करते। आप कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जनरली आम तौर पे माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ठीक है, जो इनकी डिज़ाइनिंग होती है ये किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि ताकि आप इनको पर्सनली यूज़ कर सकें, पर्सनल यूज़ में ला सकें, और जो ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल करते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर्स को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं देखेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने पढ़ा है पीछे। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स को भी चार भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये दो क्वेश्चंस आज आपने करे हैं, इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ साथ क्या करेंगे, लर्न भी आप इनको करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।